हेलो एवरीवन दिस इज कनिष्का वेलकम बैक टू द चैनल आज की क्लास में हम करने वाले हैं एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल तो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है एक्जोजीनियस ग्रोथ मॉडल जो कि सोलो ने दिया था टी स्टेट इक्लेबेरियम से तो वहाँ पे सोलो बोलते हैं कि एक्जोजीनियसली डिटरमाइन होती है हमारी टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन रेट पर यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे बोलेंगे टेक्नोलॉजी एंडोजीनियस फैक्टर है मतलब वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है देखते हैं स्टार्ट करते हैं एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल को तो ये दिया था रोमर एंड लुकास ने बाद में एरो एंड रेबलो ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपनी थ्योरीज निकाली है एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल से जिन्होंने सोलो सवैन का मॉडल जो है वो रिजेक्ट कर दिया पर हम भी हमें इन्हीं का पढ़ना है मेनली जो एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल है वो इन्हीं का पढ़ा जाता है रो, आ, रोमर लुकास एरो एंड रेबेलो का अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो टेक्नोलॉजी है वो एंडोजीनियस फैक्टर है का बिल्कुल हो गया सोलो ने क्या बोला था टेक्नोलॉजी एक्सोजीनियस फैक्टर है जो भी हमारी टेक्नोलॉजी होगी वो हम सभी डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज के लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए हम कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे क्योंकि वो एक्सोजीनियसली डिटरमाइन है पर यहां पे बोला गया कि टेक्नोलॉजी जो है एंडोजीनियस डिटरमाइन है मतलब वो डिपेंड करती है आप डिपेंड किस पे करती है हम आगे देखेंगे और ये सभी इकोनॉमिस्ट ने बोला एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल में जितने भी इकोनॉमिस्ट आए रोमर लुकास एरो सभी ने यही बोला कि टेक्नोलॉजी जो है एंडोजेनियस है सभी अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है सेम टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती तो टेक्निकल कंडीशन जो है अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग डिफरेंट होती हैं तो उसी से ये डिराइव हुआ कि सोलो स्वैन का मॉडल गलत एजप्शन पे बेस्ड था तो वहीं पे यही मॉडल जो एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल आया जो कि दिया रोमर लुकास एरो ने उन्होंने सोलो स्वैन का जो न्यो क्लासिकल एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल था उसको रिजेक्ट करके अपनी थ्योरीज बनाई तो ये थ्योरी एज्यूम करती है कि लॉन्ग रन ग्रोथ रेट किस पे डेटरमाइन करती है एंडोजीनियस फैक्टर पे डेटरमाइन करती है जो कि टेक्नोलॉजी हो गई अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी को एंडोजीनियस लेके चले हैं मतलब इंडिपेंडेंट लेके uh, इंडिपेंडेंट लेके नहीं चले ये हमारे पे डिपेंडेंट है सोलो बोलते थे टेक्नोलॉजी एक्सोजेनियस है मतलब सोलो बोलते थे टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट है हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती पर कहीं ना कहीं तो हमारे ऊपर डिपेंड ही है टेक्नोलॉजी अब हम देखते हैं कैसे डिपेंडेंट है तो जो टेक्नोलॉजी है ये रिजल्ट किसका है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का साइज ऑफ कैपिटल स्टॉक का और स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल का इसका यहाँ पे एंडोजेनियस ग्रोथ मॉडल में एक तो टेक्नोलॉजी और एक ह्यूमन कैपिटल ये दो वर्ड्स हैं बहुत ज्यादा यूज होते हैं कि टेक्नोलॉजी एंडोजेनियसली डिटरमाइन हो रही है और वो ह्यूमन कैपिटल पे डिपेंड कर रही है ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया स्किल्स हो गई नॉलेज हो गई तो जो भी ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे नया वर्ड लाया गया एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल में कि जो टेक्नोलॉजी है वो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे तो डिपेंड करती है हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो हमारी टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगा तो कैपिटल uh, स्टॉक पे भी डिपेंड करती है पर एक नया वर्ड लाया गया कि ह्यूमन कैपिटल पे भी डिपेंड करती है अब यहाँ पे कैपिटल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है एक तो हो गई फिजिकल कैपिटल जो कि हो गई कैपिटल स्टॉक जो हमारे पास स्टॉक जमा है और एक हो गई ह्यूमन कैपिटल जो ह्यूमन के दिमाग में है ह्यूमन कैपिटल नए नए आइडियाज नॉलेज उसके ऊपर टेक्नोलॉजी हमारी डिपेंड करती है ये बोला गया एंडोजी ग्रोथ मॉडल में Adoptions देखते हैं इस मॉडल की तो यहाँ पे बहुत सारी फॉर्म्स है मार्केट में तो जो भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही हैं नॉलेज और टेक्नोलॉजी ये नॉन राइवल है नॉन राइवल क्या होता है कि एक की कंजप्शन दूसरे पे इफेक्ट नहीं करती जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कोई फ्रूट मैंगो हमारे पास एक मैंगो है अगर मैंने उसे कंज्यूम कर लिया तो अब आप उसे कंज्यूम नहीं कर पाओगे तो उसमें क्या हो गया वो राइवल हो गया कि एक की कंजप्शन दूसरे को इफेक्ट करेगी पर जो नॉलेज है वो नॉन राइवल है मतलब एक की कंजप्शन अगर मेरे पास नॉलेज है मैंने अगर एक बुक पढ़ के नॉलेज गेन कर ली अब ऐसा तो नहीं है वो बुक आपके लिए बची नहीं वो बुक आपके पास भी है आप अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हो तो एक कुट का मतलब एक का मतलब वंस डज नॉट इफेक्ट अदर कंजप्शन तो ये नॉन राइवल है एक का कंजप्शन दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा तो नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे नॉन राइवल ली गई है अब यहाँ पे बोला गया है कि रिटर्न टू फैक्टर इंक्रीजिंग रहेंगे मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर ऑपरेट करेंगे हमारी इकोनॉमी में एंड रिटर्न टू स्केल भी इंक्रीजिंग रहेंगे फैक्टर जो होता है वो शॉर्ट रन के केस में लिया जाता है तो शॉर्ट uh, रन में जो रिटर्न आएंगे वो इंक्रीजिंग होंगे एंड जो स्केल है वो यूज़ किया जाता है लॉन्ग रन पैटर्न के लिए तो लॉन्ग रन में भी जो रिटर्न होंगे वो इंक्रीजिंग होगी क्योंकि यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी है हमारी नॉलेज यूज़ हो रही है जो कि नॉन राइवल है अब यहाँ पे नॉलेज तो ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि वो नॉन राइवल है तो यहाँ पे जितने भी रिटर्न होंगे वो इंक्रीजिंग होंगे कभी हमारा आइडिया वर्क करेगा कभी हमारा आइडिया वर्क नहीं भी करेगा पर ओवरऑल अगर हम देखें तो इंक्रीजिंग रिटर्न आएंगे हमारी इकोनॉमी में और यहाँ पे बोला गया है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर और इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल अब स्केल में जो लॉन्ग रन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल फॉर ऑल फैक्टर्स अगर हम सारे फैक्टर्स लेते हैं एक साथ जैसे कि लेबर भी ले ली कैपिटल भी ले ली हमारी लैंड भी ले ली जितने भी फैक्टर्स अलग अलग होते हैं हमने सारे एक साथ ले लिए तो इंक्रीजिंग रिटर्न जनरेट करेंगे पर अगर हम एक सिंगल फैक्टर लेके चल रहे हैं या तो लेबर या तो कैपिटल एक ही फैक्टर लेके चल रहे हैं तब हमारी इकोनॉमी में कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल ऑपरेट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्निकल चेंज किसके ऊपर बेस्ड है नए आइडियाज के ऊपर क्रिएटिविटी के ऊपर इनोवेशन के ऊपर जिसको बोला गया है ह्यूमन कैपिटल तो टेक्निकल चेंज जो भी है वो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर बेस्ड है अब यहाँ पे बोला गया है इम्परफेक्ट कंपटीशन रहेगा मार्केट में अब हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था अपना कि मार्केट में बहुत बड़ी है अलग अलग फर्म्स है उसमें और सभी फॉर्म्स अलग अलग गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं। और इसी के बेस पे यहाँ पे बोला गया कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन रहेगा जो कि सोलो का फिर से ऑपोजिट हो गया सोलो ने बोला था परफेक्ट कॉम्पटिशन के बारे में पर इन्होंने बोला कि जित जिसके आइडियाज़ ज़्यादा जैसे जिस फर्म ने आइडियाज़ ज़्यादा जनरेट कर लिए वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई तो वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा आएंगे तो वहाँ पे उसकी मार्केट पावर ज़्यादा हो जाएगी पूरी मार्केट में फिर उसके दबदबा हो जाएगा उसकी पावर हो जाएगी तो यहाँ पे बोला गया इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन रहता है सभी मार्केट्स में फर्म सभी सभी एक सभी एक मार्केट में फर्म्स जैसा रन की जो ग्रोथ रेट है वो डिपेंड करती है एंडोजिनियस फैक्टर तो हमने पहले भी देख लिया कि जो हमारे लॉन्ग रन ग्रोथ रेट है इन्होंने बोला है ये एंडोजिनियस फैक्टर पे। डिटरमाइन करती है और एंडोजिनियस फैक्टर इन्होंने लिया है टेक्नोलॉजी को आगे देखते हैं सेविंग रेट इंडिपेंडेंट है, है इसलिए हम लेके चलेंगे इस मॉडल में भी तो सेविंग रेट वो डिपेंड नहीं कर रहा है हम अब यहां पे बात की गई है इंक्रीजिंग रिटर्न की एंड कॉन्स्टेंट रिटर्न की यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न को एलिमिनेट कर दिया गया है तो यहाँ पे कैसे एलिमिनेट करेंगे हम डिमिनिशिंग रिटर्न को डिमिनीशिंग रिटर्न जो कि कैपिटल के ऊपर आते हैं हम उसको अवॉइड कर सकते हैं रिजेक्ट कर सकते हैं हटा सकते हैं अपने मॉडल से कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वही हो गया कि अगर हम नए नए आइडियाज़ लाएंगे नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे जो भी है हमारे पास नॉलेज उसको यूज़ करेंगे नई नई स्किल्स यूज जनरेट करेंगे तो उससे डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो हम हटा सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड टू प्रमोट नॉलेज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है ताकि वो नई नई पॉलिसीज लाएं किसके लिए नॉलेज बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और काम करने के लिए और ऐसा रियल लाइफ में भी होता है गवर्नमेंट पूरा पार्टिसिपेशन देती है अपना कि कोई अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहता है या रिसर्च करना चाहता है तो उसमें फुल पार्टिसिपेशन रहता है गवर्नमेंट का <coughs> यहाँ पे कैपिटल स्टॉक को डिवाइड किया गया है फिजिकल कैपिटल में और ह्यूमन कैपिटल में फिजिकल कैपिटल क्या है जो टेंजिबल गुड्स है हमारे पास मशीनरी हो गई वो फिजिकल कैपिटल में काउंट होगी एंड ह्यूमन कैपिटल क्या होगी स्किल्स हो गई आइडियाज हो गई जिस पर यह पूरी मॉडल बेस करता है ह्यूमन कैपिटल पे तो यहाँ पे कैपिटल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फ़िजिकल कैपिटल जो हमारा स्टॉक हो गया एंड ह्यूमन कैपिटल जो जिससे फिर हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑटोमेटिक कन्वर्जेंस इज नॉट पॉसिबल जो सोलो ने बोला था कि ऑटोमेटिक कन्वर्जेंस हो सकती है हमने कन्वर्जेंस लास्ट वीडियो में में पढ़ा है डिटेल में। तो सोलो ने बोला था अपने आप कन्वर्जेंस हो जाएगी और सभी इकोनॉमीज एक स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएंगी पर यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया गया कि ऑटोमेटिक कन्वर्जेंस हो ही नहीं सकती क्योंकि अलग अलग इकोनॉमीज में अलग अलग टेक्नोलॉजी होगी अलग अलग स्किल्स होगी अलग अलग आइडियाज यूज करे जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्जेंस फेल हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉपुलेशन ग्रो कर रही है डिफरेंट इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल अब यहाँ पे फिर से ऑपोजिट हो गया सोलो का सोलो ने बोला था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट है एक्सोजीनियसली डिटरमाइन है यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि वो भी अलग अलग है अलग अलग कंट्रीज में तो हम कॉन्स्टेंट लेके नहीं चलेंगे अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कैपिटल जितनी स्किल होगी उतनी फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग ही टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब क्या बोला गया है यहाँ पे टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन चेंज हो सकती है टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन एंडोजीनियस है डिपेंड करती है पर सेविंग्स जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेंगी सेविंग को ही लेके चले हैं इस मॉडल में भी तो सेविंग्स जो है वो इंडिपेंडेंट है अब यहाँ पे अलग अलग जो हमने इकोनॉमिस्ट पढ़े उसके व्यूज देख लेते हैं तो सबसे पहले आए एरो तो एरो ने बोला कि लर्निंग बाय डूइंग एक फर्म जो है वो लर्निंग बाय डूइंग अपने एक्सपीरियंस से सीखती है तो जितना वो लर्न करेगी कुछ करके अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके अपनी नई नई टेक्नोलॉजी को लाके के जितनी भी स्किल्स हैं उसको यूज़ करके नॉलेज से आइडियाज़ जनरेट करके जो भी है वो एक्सपीरियंस से सीखती है तो लर्निंग बाय डूइंग एरो ने दिया था एंड इन्होंने बोला एक्सपीरियंस से जो नॉलेज गेन होती है उससे हमारी एवरेज कॉस्ट जो होती है वो रिड्यूस हो सकती है किसी भी फर्म की अगर एक्सपीरियंस बढ़ेगा नॉलेज बढ़ेगी तो इससे हमारी एवरेज कॉस्ट कम होगी क्योंकि अब हम हमें पता है कि हमें अपने फॉर्म में क्या करना है एंड उससे हमारी कॉस्ट कम आएगी सेकेंड देखते हैं लुकास का तो लुकास का पॉइंट ऑफ व्यू था इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल हमें ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न कम हो सके रिजेक्ट हो सके हाथ सके तो यहाँ पे बोला गया है ह्यूमन कैपिटल के बारे में तो ह्यूमन कैपिटल मतलब हो गई स्किल्स नॉलेज तो हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जितना से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसी के लिए हमने आज भी पढ़ी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है ता, ताकि गवर्नमेंट आके इंकरेज करे लोगों को कि ह्यूमन कैपिटल में और इन्वेस्ट करा जाए अब रोमा रोमर ने बोला कि लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज इनका भी सेम ही पॉइंट है मतलब अलग अलग इकोनॉमि ने अपने अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं पर सभी एक ही बेस है कि यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि हम अपने आप करके सीख सकें तो लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज का कंसेप्ट रॉमर ने दिया था इन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट जनरेट करती है नॉलेज को अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये क्रिएशन ऑफ आइडियाज होगा और रॉमर की एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडियाज आर इम्पोर्टेंट देन नेचुरल रिसोर्स ये किसने बोला था रॉमर ने बोला था कि नेचुरल रिसोर्स से भी ज्यादा आइडियाज इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी जिससे अब लास्ट में आता है रेबलो का कंसेप्ट तो रेबलो ने एक मॉडल दिया था जिन्होंने ये ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया था कि वाई इज इक्वल्स टू ए के अब यहाँ पे ए क्या है टेक्नोलॉजी एंड के क्या है के दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई फिर से फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल तो रेबलो भी यही बोलते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल होगी तो वो हमारे प्रोडक्शन फंक्शन को इफेक्ट करेगी आउटपुट को इफेक्ट करेगी जिससे कि जीडीपी इफेक्ट होगा एंड हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी एंड <coughs> यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो डिमिनिशिंग रिटर्न को रिजेक्ट करना चाहिए डिमिनिशिंग रिटर्न को रिजेक्ट करने का कंसेप्ट रेबेलो ने ही दिया था अब हमारा ये मॉडल यहाँ पे खत्म होता है हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार एक्सोजेनियस एंड नोजीनियस में तो एक्सोजेनियस में क्या था कि इकोनॉमी कन्वर्स कर जाती है एक इक्वल ग्रोथ रेट पे जहाँ पे बोला जाता है इक्वल स्टडी स्टेट इक्म आएगा एंड वहाँ पे टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन रेट सेविंग सब कुछ एक्जोजीनियसली डिटरमाइन हो रहा है मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है वहीं पे अगर हम एंडोजीनियस की बात करें तो एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल बोलता है कि टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है हमारी जो पॉपुलेशन रेट है मतलब जितना हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे उतनी हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जाएगी पर सेविंग्स यहाँ पे भी एक्सोजीनियसली डिटरमाइन हो रही है इकोनॉमी डाइवर्स फ्रॉम ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल तो इकोनॉमी अलग अलग इक्लिबियम बनाएगी अपने अलग अलग स्टेडी स्टेट आएंगे एक कॉमन स्टेट स्टेट नहीं आ सकता तो यहाँ पे बोला गया अलग अलग स्टेट स्टेट आएंगे अकॉर्डिंग टू देयर ह्यूमन कैपिटल एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल में ये बोला गया तो यहाँ पे हम इस मॉडल को खत्म करते हैं आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में